गोली लगी है। एग्जिट वुंड तो है नहीं, गोली अभी भी अंदर है और शरीर पे कहीं भी जख्म के कोई निशान भी नहीं है। यार ये कौन सी गोली है, ये देखा घाव के पास छोटे छोटे छेद हैं, छले जैसे लग रहे हैं। मानित नाम है इसका, अंधेरी में रहता है। सर इन लोगों का कहना है कि जब इससे गोली लगी तो ये इस तरफ जा रहा था। इस तरफ गोली छाती पे लगी है, मतलब खूनी इधर ही कहीं होना चाहिए। नहीं सर, इस तरफ तो मैं अपने डेस्क पे बैठा हुआ था, वहां तो कोई खूनी नहीं था और ना ही कोई गोली चलने की आवाज आई। हाँ सर, हमें तो तब पता चला कि इसे गोली लगी है जब हमने इसकी चीखने की आवाज सुनी थी। तो गन पे साइलेंसर लगा होगा। सर इतने सारे लोग थे यहाँ पे, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। सर मरने से पहले एक औरत की तरफ इशारा कर रहा था, मुझे तो लगता है वो औरत ही इसकी खूनी है। औरत कौन, कौन औरत है? सर वो भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन हमने उसे पकड़ के रखा है। वो सर वो बहुत चिल्ला रही थी ना, उसे कमरे में बिठा के रखा हुआ है। सर सीसीटीवी फुटेज रेडी है। ठीक है देख लेते हैं। ए अरे भाई, अरे क्या कर रहे हो ये? अरे कहाँ ला रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे क्या है, क्या 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 है ये? सर ये लाश है। हाँ भाई मुझे दिख रहा है लाश है, लेकिन यहाँ क्यों लाए हो? मुर्दा कह रहे हैं, यहाँ क्यों लाए हो तुम? सर मॉल से लाए। किसने कहा तुम्हें लाश लाने को यहाँ? सीआईडी ने सर। सीआईडी वालों ने? सीआईडी वालों ने? अच्छा अच्छा एक बात बताओ, सीआईडी ने किस ऑफिसर ने कहा तुम्हें लाश यहाँ ले जाने के लिए? इंस्पेक्टर दया ने। इंस्पेक्टर किसने? इंस्पेक्टर दया ने। दया, इंस्पेक्टर दया। ओके तुम जाओ 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 यहाँ जाओ। इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर दया ने इन लोगों को ये कहा कि लाश फॉरेंसिक लैब में लेकर के जाओ, लेकिन हमें बताने की जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हारे पास फोन आया? फोन आया? फोन आया? कोई फोन नहीं आया। नहीं आया? तुम्हारे पास भी फोन नहीं आया, सालुके के पास भी फोन नहीं आया। क्या किया उन्होंने? ये किया। और तुमने क्या किया था? खूनी के बारे में उन लोगों को जाकर के बताया, अपनी ड्यूटी समझी, अपना फर्ज निभाया। उन्होंने क्या किया हमारे साथ? क्या किया उन्होंने? इतनी बेइज्जती की हमारी, लाश भिजवाई लेकिन हमें बताने की कोशिश नहीं की उन्होंने। अकड़ अकड़, मैं निकालूंगा उन लोगों की अकड़, मैं निकालूंगा। माफी मांगेंगे मेरे पास आकर के, लेकिन उन्हें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। तारिका, हमारे पास कोई लाश नहीं आई है। हाँ? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हमारी लैब में कोई लाश नहीं आई है। ये देखो, ये आदमी जब दुकान के अंदर गया इसके हाथ में बैग था, बाहर है तो गायब। बाबा ये देखो, हो सकता है वो बैग दुकान के अंदर भूल गया। लेकर एक मिनट इसे पॉज करो, ये आदमी यहां पर फोन पर बात कर रहा है,
और वहां इसकी लाश के पास हमें कोई फोन मिला तो नहीं था। हाँ। सर हो सकता है किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर उसका फोन गायब कर दिया हो। प्ले करो। एक मिनट जरा दूसरा फुटेज चेक करो, दूसरा एंगल वाला। बॉस, ये देखो, टकराने से ठीक पहले इस लड़के ने अपने बैग में हाथ डाला था। मतलब सर गन इसके बैग में थी? लगता तो यही है। प्ले करो। ये मरने से पहले उस लड़की की तरफ इशारा भी कर रहा है, गार्ड्स ने भी यही बताया था। हो ना हो, मनित को इस लड़की ने गोली मारी है। नहीं नहीं, मैंने उस आदमी को नहीं मारा, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। जवंदी, बैग चेक करो इनका। बैग दो, मैंने कहा बैग दो। तुमने कुछ नहीं किया और वो आदमी ऐसे ही मारा गया। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। सर बैग में गन नहीं है, इसने कहीं छुपा दी होगी। नहीं सर, बैग में गन थी ही नहीं। इस बैग में तो कोई छेद भी नहीं है। अच्छा, बैग के अंदर से कोई गन तो नहीं चला इसने। जब मनित का खून हुआ तो तुम सामने खड़ी थी और तुम वहां से भागी, क्यों? सर मेरी किस्मत खराब थी, जो मैं उससे टकरा गई और उसके सीने से खून निकलने लगा। सर मैं डर गई थी और मैं भागने लग गई। और क्या बता सकती हो उस आदमी के बारे में? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सर, जब वो मेरे पास आ रहा था तो वो किसी से फोन पे बात कर रहा था और किसी बैग के बारे में बात कर रहा था। वो मुझसे टकराया और ये सब हो गया। देखो शिखा, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? अभी तुम जा सकती हो, वो दुकान चेक कर लेते हैं। थैंक यू। शोरूम अच्छी तरीके से चेक कर लो, देखो कहाँ है बैग। क्या हो गया सर? ये आपके शोरूम के बाहर जिस आदमी का खून हुआ है, वो जब इस दुकान के अंदर आया था तो उसके हाथ में एक बैग था और यहाँ से जब बाहर निकला तो उसके हाथ में वो बैग नहीं था। कहाँ है वो बैग? हमें नहीं पता सर। अरे आप लोग ध्यान नहीं देते कोई क्या लेकर आ रहा है, क्या छोड़ के जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, उस आदमी ने अंदर आके क्या किया? मतलब कोई सामान देख रहा था या कोई चीज खरीदी या ऐसे वापस चला गया? बड़ी मुश्किल से उसने एक शर्ट पसंद किया, फिर चेंजिंग रूम में गया और वापस आकर बोला कि वो उसे पसंद नहीं है और चला गया। चेंजिंग रूम गया था? जी। यहाँ तो कोई बैग है नहीं। सर पूरा शोरूम चेक कर लिया है पर वो बैग कहीं नहीं मिला। लगता है वो बैग कोई और लेके चला गया। लेकिन सर वो बैग लेके जा कौन सकता है? ये सोचो कि उस बैग में था क्या जिसे मनित यहाँ पे छोड़ गया और कोई उसे उठा ले गया। जरूर कोई कस्टमर वो बैग लेके गया होगा जो मनित के बाद इस चेंजिंग रूम में गया था। एक काम करते हैं, हम लोग मनित के घर जाके देखते हैं बैग के बारे में कुछ पता चल जाए। तब तक तुम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। सर शायद घर में कोई नहीं है। पता करो, शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे पता चले कि उसके बैग में क्या था। यहां तो कुछ भी नहीं है सर। मगर यहां देखो, ये है, मनित शादीशुदा है मगर घर पे कोई देख नहीं रहा। सर हो सकता है उसकी बीवी कहीं गई हो।
पता नहीं बेचारे को मालूम है कि नहीं कि मनित की मौत हो गई है। बाहर पता करते हैं। क्या हुआ सर, कौन है आप लोग और ऐसे कैसे इनके घर पर घुस गए? भाई साहब हम लोग सीआईडी से। क्या आप ये बताएंगे कि मनित की पत्नी कहाँ है? जी हमें कोई जानकारी नहीं सर। क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी सबने? भाई ये सीआईडी से है और आपके भाई के घर की तलाशी ले रहे हैं। बोलिए क्या बात है सर, क्या हुआ? आप मैं मनित का चचेरा भाई। आप लोग मनित के साथ में रहते हैं? नहीं नहीं, मैं यहाँ से 3 घर छोड़ के रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ लेकिन बताइए। एक्चुअली मनित का खून हो गया है। क्या खून? क्या मनित भाई का खून हो गया? जी हाँ। कैसे सर, किसने किया सर, बोलिए ना सर। हम वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पता लगाइए, हमें क्या करना है? संदीप चलो यहाँ से, हमें नहीं पढ़ना इस झमेले में। यहाँ परिवार इतना मुसीबत में पड़ा, तो मैं जल्दी पढ़िए। 2 मिनट चुप रहो। लगता है आपको मनित की मौत का कुछ ज्यादा दुख नहीं है। सर धोखे से सारी जायदाद हड़प ली थी उसने, दुखी कर रखा था उसने हमें, तो उसकी मौत का हमें दुख क्यों होगा? कीर्ति यहाँ जायदाद की बात नहीं है। मनित जैसे भी थे हमारे भाई थे सर। अच्छा आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं सर। सर उसने हमें धोखा दिया था और भी पता नहीं कितने लोगों के साथ उसने धोखा किया है। ऐसे धोखेबाज इंसान के तो हजारों दुश्मन हो सकते हैं, हमें क्या पता। अच्छा और कोई रिश्ते था? सर हम लोग हैं और जिया है उनकी पत्नी, बाकी उनके माँ बाप रहते हैं साथ में और एक मनित भाई की सगी बहन है नेहा। अच्छा सर, जिया और उसके माँ बाप को और मनित की सगी बहन नेहा, इनको जरा ब्यूरो में बुलवाओ। बताऊं तारिका, इसकी मौत का राज तो ये है, देखो उधर। अरे हाँ सर, लेकिन ये तो यही तो यही तो तारिका, यही राज है। उन लोगों को लग रहा है इसे गोली लगी है, लेकिन यहां तो राज कुछ और ही है। बताना तो पड़ेगा। सर क्या कर रहे हैं आप? सीआईडी वालों को बताना पड़ेगा ना। क्या बताना पड़ेगा? तारिका उन्हें बताना पड़ेगा कि कैसे जीता जागता इंसान एक लाश में बदल गया। कौन सी लाश, कब आई? मतलब मुझे तो कोई लाश दिखी ही नहीं। मजाक कर रही हो तारिका? अरे इस लाश की बात कर रहा हूँ मैं, ये है ना तुम्हारे सामने। सर लेकिन हमारे लैब में तो कोई लाश आई ही नहीं ना। ओह मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा इशारा, लेकिन क्या है तारिका, फर्ज हमेशा भावनाओं से ज्यादा बड़ा होता है। बताना पड़ेगा। ये मनित अंदर आया बैग के साथ। उसने शर्ट लिया और अब चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा है। बैग अभी भी उसके हाथ में ही है। ये देखो बाहर निकला मगर उसके हाथ में कोई बैग नहीं है, इसका मतलब है उसने बैग चेंजिंग रूम में ही छोड़ दिया। सर मनित के बाद जो लोग चेंजिंग रूम में गए हैं शायद उनमें से किसी ने लिया हुआ बैग। देखते हैं। बैग तो इसके पास भी नहीं है सर। सर लेडी के पास भी बैग नहीं है।
ये भी खाली हाथ निकली। काफी वक्त ले रहा है। एक मिनट पॉज करो। ये आदमी कौन है? पता नहीं सर, ये आदमी कह रहा था कि इसे मॉल से बाहर ही बाहर कहीं जाना था, इसलिए इसने कपड़े बदल लिए। ये वो आदमी, ये चेंजिंग रूम के अंदर गया, मनीत ने जो बैग छोड़ा था इसने अपने शॉपिंग बैग के अंदर रखा, कपड़े बदले और चेंजिंग रूम से बाहर आ गया। लेकर उसे। सर ये बैग क्यों लेके गया? जरूर कुछ तो होगा। एक गलती कर दी इसने, पेमेंट कार्ड से कर दिया। ये सब कैसे हो गया? किसने मारा मेरे दामाद को? प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, हम बहुत जल्द खूनी का पता लगा लेंगे। सर खूनी को ढूंढने से अब क्या फायदा? हमारी बेटी जिया की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। देखिए, मरने वालों को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन हम लोग मनीत के खूनी को जरूर सजा दिलवाएंगे। वैसे जिया कहाँ है? जिया क्यों नहीं आई? सर देखिए, आप लोग कुछ भी छुपाएंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। घबराइए मत, बताइए जिया कहाँ है? सर जिया को किसने अगवा कर लिया है सर? और हमसे कहा गया है कि अगर किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे। कौन लोग हैं ये? आपको पता है? पता नहीं क्यों, हमारे तो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। पता नहीं कौन दुश्मनी निकाल रहा सर। हमें बस इतना ही पता है सर कि आज मनीत अपने अकाउंट से 30 लाख रुपए निकाला था और वो रुपए उनको देने के लिए मॉल जा रहा था। तो वो फिरौती की रकम लेके मॉल में गया था और वहां उसका खून हो गया। मनीत, मेरा भाई कहाँ है? देखिए मुझे मेरे भाई से मिलना है। कहाँ है वो? मैडम एक मिनट, आप हमारी बात सुनिए प्लीज। देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए, मुझे उसे अभी देखना है। नेहा जी, कई बार सच्चाई बहुत तकलीफ देती है, पर हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। मनीत का किसी ने खून कर दिया है। किसने मारा है? तुम जानती हो किसने? यही है वो लोग। जब से इनकी बेटी मेरे भाई की जिंदगी में आई है ना, मेरे भाई की किस्मत बर्बाद हो गई और आखिर में वो मेरे भाई को भी खा गए। नहीं बेटा, नहीं। सर, मनीत के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए सर। देखो सर, मनीत को इस 1147766434 और आज सुबह भी फोन आया था। अच्छा, पता करो किसका नंबर है, डिटेल्स निकालो जरा। अमर तो अभी अभी जेल से छूटा है, जेल से छूटा और मनीत को फोन कर रहा है। जिया किडनैप हो गई और मनीत का खून हो गया, मिलना पड़ेगा इस अमर से। उस आदमी को पता था कि उस बैग के अंदर फिरौती की रकम है, इसलिए जानबूझकर उस शॉपिंग बैग लेकर चेंजिंग रूम के अंदर घुसा ताकि फिरौती की रकम आसानी से छुपा के ले जा सके। सर मतलब इन दोनों ने जिया को अगवा किया था? हो सकता है, उसने पेमेंट कार्ड से किया था। उस कार्ड की पूरी डिटेल निकालो और उस आदमी को मिलने के लिए बुलाओ। और हाँ,
उसे पता नहीं चलना चाहिए किस लिए बुलाया। सर मतलब मनित को इन लोगों ने यहाँ पर बुलाया था। हाँ, पर एक बात समझ में नहीं आई, मनित इतना सारा पैसा लेकर मॉल के अंदर घुसा, उसका बैग स्कैन तो हुआ होगा। पंकज तेरा पता करो किसी ने इस बात की पूछताछ क्यों नहीं की। सर मनित जब फिरौती की रकम लेकर आ रहा था तो फिर उसका खून क्यों हुआ? पूर्वी ये मामला सिर्फ किडनैपिंग का नहीं है, लगता है बात कुछ और ही है। सर सर वाजमन वाइफ को मिलने के लिए बुला लिया है। गुड, शक तो नहीं हुआ उन्हें? बिल्कुल नहीं सर। चलो सर। सर वो स्कैनिंग मशीन का गार्ड गायब है सर, और दूसरे गार्ड ने बताया था कि मनित की मौत से ही गायब है सर, और वो अभी फोन भी नहीं उठा रहे। तो गार्ड भी मिला हुआ है इस पूरे खेल में। हेलो, जिस जगह तुमने मुझे बुलाया था मैं वहां पहुंच गया हूं। क्या जानते हो मेरे बारे में तुम्हें? अरे यार थोड़ा सफर करना यार। कहाँ हो तुम? अरे पीछे मुड़ना यार। क्या कौन है आप? सीआईडी। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? सब कुछ। ये बताओ मनित का खून क्यों किया तुमने? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मनित का खून हो गया? अनजान बनने का नाटक मत करो और सीधे सीधे बताओ क्यों मारा तुमने मनित को? मेरा यकीन कीजिए मैंने मनित को नहीं मारा है। भला मैं उसे क्यों मारूंगा? तो फिर जेल से छूटने के बाद फोन क्यों कर रहा था उसको? देखिए सर, मैं मनित से जानना चाहता था कि उसने मुझे झूठे केस में क्यों फंसाया। वो मेरा कॉलेज का बहुत पुराना दोस्त था, अच्छा दोस्त था, और दोस्त होने के बावजूद उसने मुझे मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी और मुझे फंसा दिया और मुझे जेल हो गई। इसीलिए तुमने मनित का खून कर दिया और उसकी बीवी जिया उसे किडनैप कर लिया। क्या जिया गायब है? जिया गायब, पर अब तुम बताओगे ये कहाँ है जिया? देखिए सर, मुझे नहीं मालूम जिया कहाँ है। मैं तो मनित से सिर्फ इतना जानना चाहता था कि जिस अनीता नाम की लड़की को मैं जानता नहीं था तो उसने ये क्यों कहा कोर्ट में कि मैं अनीता के साथ मैंने बदतमीजी की है। सर मुझे 5 साल की सजा होगी। है कौन ये अनीता? सर मैं जेल से छूटने के बाद अनीता से मिला था, तो अनीता ने मुझे बताया कि मनित ने उससे कहा था कि अगर वो उसका साथ देगी उसको मुझे फंसाने में तो वो उसे मॉडल बनाएगा और उसे पैसे भी देगा। अच्छा, कहाँ रहती है? देखो हम लोग यहाँ आ गए हैं, अब तुम भी बाहर आ जाओ और वॉल की सारी सीसीटीवी फुटेज की सीढ़ी हमें दे दो। तुम जितना पैसा चाहोगे ना उतना पैसा हम तुम्हें देंगे, बस वो वॉल की सीसीटीवी फुटेज हमें दे दो। हमें देखकर चौंक गए? क्यों? लेकिन हमें तो मॉल के किसी आदमी ने फोन किया था, आप लोग क्या कैसे आ गए? हमने किया, तुम जैसे चोरों को बिल से निकालने के लिए। निखिल ने फोन किया था सीसीटीवी फुटेज देने के लालच से। सर सर मैं सच कह रहा हूँ सर, हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया सर। अच्छा कुछ नहीं किया? हाँ सर। फिरौती के पैसे लेकर भाग गया वहाँ शोरूम से और कहता कुछ नहीं किया। बता जिया कहाँ है? सर हमें नहीं पता जिया कहाँ है, हम तो छोटे मोटे चोर हैं सर, और हमें भी मॉल से सिर्फ पैसों का बैग उठाने के लिए बोला था सर। किसने कहा था? किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ जल्दी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, हमें वो सब नहीं पता। हमें सब इतना बताया गया था कि पैसों से भरी बैग उन तक पहुँचा नहीं थी, उसके बाद हमें हमारा पैसा मिलने वाला है सर, मैं सच कह रहा हूँ। कहाँ पहुँचाना है वो पैसों का बैग? आज शाम उनका फोन आने वाला है, उसके बाद पता चलेगा। केस सॉल्व हो गया मिस्टर अभिजीत? आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ पर। क्यों क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहे हो?
थोड़ा अजीब लगा आपको यहाँ देख के। क्यों अजीब क्यों लगा? अक्सर आता रहता हूँ मैं यहाँ, जब भी जरूरत पड़ती है। हाँ मगर 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 अभिजीत, सालूखे ने हमेशा अपनी ड्यूटी को ज्यादा महत्व दिया है बजाय अपनी भावनाओं के। मनित की मौत के बारे में खास जानकारी देनी थी, आप लोगों ने तो जरूरी नहीं समझा जानकारी हासिल करना। जरूरत थी नहीं डॉक्टर साहब। दूसरी बात यह है कि हम खोने के बहुत करीब है। लेकिन की भी गुंजाइश नहीं है। कुछ ही देर की बात है, वो आदमी पकड़ा जाएगा जिसने जिया को किडनैप किया है और मानित को गोली मारी है। गोली अभी तक अटके हुए उस गोली वाली थ्योरी पर दोस्त। हाँ क्यों, क्या हुआ? वही जो हमेशा से होता है, फॉरेंसिक के बिना सीआईडी कोई केस कभी सॉल्व नहीं कर सकती है, इस बार भी नहीं। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ सचिन कि मनित की मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई, उसकी मौत हुई है पेसमेकर की वजह से। गोली की वजह से नहीं? ना, पेसमेकर की वजह से। जानते हो ना पेसमेकर, जो इंसान के दिल या उसके पेट में लगा होता है ताकि उस इंसान का दिल सामान्य रूप से धड़कता रहे, उसकी धड़कनें सामान्य रहे। और ऐसे इंसान को कभी भी मेटल डिटेक्टर या किसी भी रेडिएशन वाली डिवाइस से गुजर करके नहीं जाना होता है, क्योंकि ऐसी डिवाइसेस की रेडिएशंस उसके पेसमेकर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके पेसमेकर में हाइड्रोजन बनने लगती है जिसकी वजह से वो फूट सकता है। ये देखो, मनित के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसके दिल में लगा हुआ एक पेसमेकर फट गया और उसके फटने की वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन सर, मनित का घाव तो बिल्कुल गोली के घाव जैसा ही है। अधिकतर ये पेसमेकर जब फटता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में फटता है और इसकी वजह से उसके दिल के आसपास बहुत छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं, छोटे छोटे घाव। लेकिन किसी खास वजह से ये पेसमेकर एक साथ फूटा और बाहर निकला, उसकी वजह से गोली जैसा घाव बन गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी तेज रेडिएशन वाले स्कैनर या फिर मेटल डिटेक्टर से गुजरने के कितनी देर बाद ऐसे इंसान की मौत हो सकती है? 2 से 3 मिनट बस। अब बताओ चेत, जब गोली चली नहीं तो खून कैसे हुआ, और जब खून नहीं हुआ तो तुम खूनी के इतने करीब तक कैसे पहुंचे? Think about it. खून तो हुआ है डॉक्टर साहब, और खूनी भी पकड़ा जाएगा। शोरूम का स्कैनर चेक करना पड़ेगा। ये वायर क्या हुआ? सर ये वायर तो इस मशीन में एक्स्ट्रा लगाया गया है, इस वायर से तो इस मशीन का रेडिएशन बढ़ जाता है। अच्छा जी, मशीन उठा। ये किसी ने वायर यहां पे लगाया और दूसरा छेड़ा सॉकेट में डाल दिया, रेडिएशन बढ़ा दिया है। किसने लगाया बात है? सर हमें तो नहीं पता कब और किसने किया ये सब। सर मुझे नहीं पता है किसने किया, रात को तो बंद रहता है मॉल। उस वॉचमैन ने किया होगा जो मनित की मौत के बाद फरार है। और सर इतनी सफाई से काम किया है कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन जो कोई भी इसके पीछे है वो अच्छे से जानता था कि मनित के सीने में पेसमेकर लगा हुआ है। कोई नजदीकी कोई करीबी। अरे जितना रोना है रो ले, क्योंकि ऊपर जाके हंसने रोने मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं।
तुम्हें भाई बॉस जिया को क्यों मारना चाहता है? अरे ये जिंदा रही तो हम सब मारे जाएंगे, ये सीआरडी के सामने सब कुछ उगल देगी, समझा क्या? बोला तो भाई उड़ा दो इसको। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ये तब तक जिंदा रहेगी जब तक हमें पैसे नहीं मिल जाते। एक बार पैसा मिल जाए फिर तो सीधा ये नीचे और उसके बाद ऊपर। बॉस बॉस पैसा आ गया। आ गया तो फिर चलो। ले आए पैसे? हाँ ले आए पैसे, लीजिए। पूरे है ना? हाँ हाँ पूरे है, अगर यकीन ना आता हो तो एक बार गिन के देख लीजिए। पूरे हैं। बॉस को फोन करके बता दो। यस बॉस। जो भी बताना है ब्यूरो चलकर बताओ। गद्दार तूने बताया ना इन्हें? कोई हमें बताता नहीं है, हम खुद पहुंच जाते हैं, समझे? उठाओ इन्हें। निखिल खेजो, आजा आजा आजा। जिया संभल के, देख संभल के। सर वो आदमी भाग गया सर। भाग के जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? जिया जिया इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। हाँ जिया बोलो, कुछ बोलना चाहती हो? मनित को बुलाइए। मनित कहाँ है? सर मनित को पूछ रही है। ये मनित कौन है? अगर वो आ जाए तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर वो इनके पति हैं और वो इस दुनिया में नहीं। मनित को बुला लीजिए। जिया ये देखो, हमने मनित को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आता ही होगा। चिंता मत करो, सिर्फ इतना बताओ किसने अगवा किया था तुम्हें? वो मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। कौन मारेगा तुम्हें बताओ? मुझे मार देगा। जिया बचाओ, किसने अगवा किया था, कौन मारेगा तुम्हें बताओ बताओ। जिया जिया फिर से बेहोश हो गई है। डॉक्टर साहब हम बाद में आते हैं। ठीक है चलो। इशिता कड़ी नजर रखो, अंदर किसी को भी जाने मत देना, किसी को मिलने भी मत देना। यस सर। मैं मनित के बहकावे में आ गई थी, उसने कहा था वो मुझे बॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन बना देगा, पर उसने सिर्फ झूठ बोला था। मतलब अमर निर्दोष था? हाँ मैडम वो निर्दोष है, वो निर्दोष है। किस किस को बताऊं कि वो निर्दोष है? क्यों, कोई और भी आया था क्या यहाँ पूछताछ करने? हाँ सर, अमर और एक औरत आई थी। कौन औरत? मुझे नहीं पता सर कौन थी वो, उसका चेहरा ढका हुआ था, दो दिन पहले आई थी वो। अच्छा
उसकी कुछ पहचान बता सकती हो? कोई हाव भाव, चाल ढाल, कुछ भी, कुछ याद है उसके बारे में? हाँ सर, मैंने उसका हाथ देखा था जब उसने मुझे गिफ्ट दिया था। गिफ्ट? वो गिफ्ट देख सकते हैं हम लोग? जी सर। आखिरी औरत वो कौन सकती है? कोई ऐसी औरत जिसका संबंध अमर और मनित दोनों से है, पता चल जाएगा अभी। सर ये लीजिए। आपने खोला नहीं इस गिफ्ट को? नहीं सर, अभी तक नहीं खोला। स्टार सोवेनियर। इस गिफ्ट शॉप से पता चल जाएगा किसने खरीदा इस गिफ्ट को। शिखा, सीआईडी सर, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कहीं पता तो नहीं चल गया हम आने वाले? शिखा, दरवाजा खोलो। शिखा, देखो कहां छुप के बैठी है। ये दवाई लेके आई, ठीक है? जिया? अरे ये जिया कहाँ है? उसे किसी चेकअप वेकअप के लिए लेके तो नहीं गए? इशिता, जिया कहाँ है? सर, जब मैं इसकी दवा लेने गई तो सो रही थी। तुम उसे छोड़कर गई क्यों? ढूंढो उसे। नहीं सर। गई कहां? सर वो रही। आए। रुक जाओ, नहीं तो गोली चलाऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मनित को मार डाला और खुद मरने से डरती हो? बताओ क्यों साजिश रची तुमने मनित को मारने की? इतना सारा नाटक क्यों किया बताओ? सर, खुद की गलती सुधारने का मेरे पास कोई और मौका नहीं था, इसलिए। पकड़ो उसे। कहाँ गया वो? और यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। कहीं गया नहीं है, यहीं पर छुप कर बैठा है वो। ढूंढो उसे, लेकिन हमें जिंदा चाहिए वो, जिंदा चाहिए।
आसमान से टपके खजूर पे अटके, हॉस्पिटल से भागे यहाँ पकड़े गए, क्या फायदा हुआ? हाँ मैं मनित का चचेरा भाई। संदीप तुम बताओ क्यों मारा तुमने मनित को, क्यों मारा? सर मनित से शादी करने के बाद मुझे पता चला कि वो अच्छा आदमी नहीं था और मैं अमर से प्यार करती थी। मनित ने अमर को झूठे इल्जामों में फंसाकर जेल भिजवा दिया और मुझे उसके खिलाफ भड़काकर मुझसे शादी कर ली सर। और फिर जब अमर ने जेल से छूटकर तुम्हें सच्चाई बताई तो तुमने मनित को मारने का प्लान बना लिया। हाँ और फिर मैंने मनित को मारने के लिए इसकी मदद ली, लेकिन फिरौती के 30 लाख रुपए देखकर इसकी भी नीयत बदल गई और ये मेरी जान लेने पे उतारू हो गया सर। अमर के साथ जिंदगी गुजारनी थी ना, इसलिए तुमने इसकी संदीप की मदद ली और अपने पति मनित को मार दिया। जेल की सलाखों के पीछे तुम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारोगे, शायद फांसी भी होगी तुम्हें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।